तो हेलो गाइस, राम राम, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। तो गाइस अभी टाइम हो रहा है 12:20 और अभी मैं फिलहाल घर में हूँ, क्योंकि नाइट बारात से अभी जस्ट घर पहुँचा हूँ और अपना तैयार हो चुका हूँ। तो गाइस अभी हम जाने वाले हैं, मेरे गांव में एक मंदिर है जो कि मैं एक बार ब्लॉग डाल चुका हूँ, लेकिन वहाँ का सीन बहुत ही खतरनाक एवं अच्छा है गाइस, क्योंकि नदी और जंगल के बीच में मात्र एक मंदिर है। तो वहाँ ड्रोन शॉट के द्वारा आपको देखने को बहुत ही अच्छा लगेगा, तो इसीलिए हम लोग जा रहे हैं अभी उसी मंदिर में ड्रोन शॉट के लिए। और वहाँ आज वहाँ शिवरात्रि का पूजा पाठ चल रहा है, जो कि भंडारा और कुछ कुछ इधर बन रहा है खाने के लिए लोगों के लिए। और ये रहा अपना सामान गाइस, रिमोट, बैटरी, अपना मोबाइल और ये अपना बैग। तो चलिए फटाफट इसको यहाँ रख बैग में भरते हैं और निकलते हैं। गाइस हम इधर से आए हैं अभी अपना इधर से और यहाँ पहुँचे हैं, यहाँ से हमको जाना है गाइस इधर मंदिर है, तो देख सकते हैं इधर पोस्टर लगाए हैं, बाबा हुंकार महाया महादेश्वर काली दाह रेड नदी पोत का आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो गाइस यहां से लगभग 500 मीटर की दूरी में है मंदिर, तो चलिए चलते हैं गाइस। तो गाइस हम पहुंच चुके हैं मंदिर, और मंदिर के जस्ट नीचे में गाइस एक बहुत ही सुंदर एक कुंड है गाइस, तो ये देख सकते हैं, इसको बोलते हैं हमारे भाषा में ढोड़ी। तो गाइस कितना खूबसूरत पानी लग रहा है, देख सकते हैं इसको अपने हाथों से बनाया है, यहाँ के पंडितों का कहना है कि हम खुद बनाए हैं इसको। गाइस ये है नागमाड़ा, पहले ज़माने में बोलते थे कि यहाँ सांप लोग रहते थे, अभी पता नहीं रहते हैं कि नहीं। और यहाँ का देख सकते हैं लोकेशन बहुत ही सुंदर है, यहाँ एक खूबसूरत सा ढोड़ी है, यहीं से अपना जल वल उठाते हैं लोग और ऊपर जाते हैं इधर मंदिर चढ़ाने के लिए। तो चलो हम लोग पैर हाथ धो के चलते हैं दर्शन के लिए। और गाइस हम फाइनली एंट्री कर चुके हैं मंदिर के अंदर, तो देखिए कैसा है यहाँ का व्यू। और शिव जी की बहुत सारे यहाँ प्रतिमा फ़ोटो बनाई गई है अपने हाथों से, बहुत ही अच्छे अच्छे कलाकार यहाँ अपना दृश्य दिखा के गए हैं। और यहाँ देख सकते हैं पंडित जी महाराज हैं अंदर में, और शिवलिंग है, और अंदर में पूजा पाठ कर रहे हैं महाशिवरात्रि मेला का। बहुत सारे श्रद्धालु सुबह से लाइन लगे थे। तो गाइस यहाँ पंडित मिल चुके हैं, पंडित जी से पूछते हैं यहाँ के बारे में क्या है कैसा है। तो बताइए मंदिर कब बना था, जो कि अपने को याद होगा 2003 में बना था जी, तीन में बना था। और कुछ जानकारी बता दीजिए। और ये मंदिर को श्री राम प्रसाद रजवाड़ी जी ग्राम कमलापुर के, यहाँ पर उनको हमारे क्या आपके पिताजी का नाम अमीर साहब जी के साथ में आ उनके आश्रम में आए, तो उनका मन में ये लगा कि यहाँ पर तीर्थ स्थान टाइप का दिखता है, यहाँ सरोवर बह रहा है, तो ऊपर सब कुछ तो दिया है तो ऊपर वाला दिया है, ऐसा समझ करके उनका मस्तक में जो है सद्बुद्धि आ गया। और जो है किसी से पैसा रुपया नहीं लेने के बाद यहाँ के लिए अपना बना के यहाँ तैयार कर दिए। बाबू आज मैं आता हूँ, इनका पिताजी मैं इस मंदिर का पुजारी टाइप के हैं, कुछ मंत्र वगैरह बोल लेते हैं, मनुष्य का आत्मा को परमात्मा के प्रति जितना बाबू इतनी काम करते हैं, बाकी भाई उनका मर्जी है, इच्छा है, तभी तो हम यहाँ आकर के उनका बखान वर्णन को मनुष्य भाई बहनों तक हम पहुँचा रहे हैं। बाबू जी बस इतनी तक मैं कि मैं सुना हूँ कि यहाँ मंदिर को मतलब किसी के द्वारा दान दक्षिणा से नहीं बनाया गया है, अपने खुद से बनाए हैं जी। और उनका नाम एक बार फिर से बता दीजिए। राम प्रसाद रजवाड़े ग्राम कमलापुर।
कौन सा जिला पड़ता है? और ये अमित शाह जी अमीर गांगीकोट जिला नहीं नहीं जिला तो सूरजपुर जी है। अमित शाह सिंह जी, उनका सहयोग दोनों का मतलब विचार विमर्श करके और जो है इतनी बड़ी मंदिर खड़ा कर दिए बाबू जी। हम तो इनको धन्यवाद कहते हैं कि भाई चलिए कम से कम कितने हमारे हिंदू बच्चा बच्चियां सब जो हैं यहाँ आशीर्वाद परमात्मा का ले रहे हैं, इससे बढ़कर क्या चाहिए बाबू जी, बाकी तो भाई हम कुछ नहीं बता पाएंगे आपसे। तो बहुत बहुत धन्यवाद हमारे पंडित जी, जितना भी जानकारी बताए बहुत ही अच्छा था। और अभी हम लोग बाहर अपना दिखाएंगे अपना ड्रोन शॉट। और यहाँ सबसे अच्छा यह है कि यहाँ नदी और जंगल के बीच में बहुत ही सुंदर एक मंदिर बना है, तो अभी दिखाने का प्रयास करेंगे। और अपना ब्लॉग को आप लोग कंटिन्यू बने रहिएगा। और छोटा तो गाइस यहाँ एक और मूर्ति रखा गया है भगवान, जो कि अपना दुर्गा माँ का। तो अभी यहाँ भी पहुँचे हैं, यही है अपना शिव मंदिर और जस्ट बगल में दुर्गा मंदिर है। और यहाँ पूछेंगे अपना पुजारी जी बैठे हैं यहाँ का, कैसे पूजा किया जाता है, कब से चालू हुआ है और कितना कितना टाइम पूजा अपना करते हैं। तो चलिए पूछते हैं इन्हीं से। तो पंडित जी सबसे पहले तो जय माता दी, जय। तो बताइए अपने यहाँ के बारे में कुछ जानकारी। जानकारी मैं पूजा पाठ में ही करत हूँ, और यहाँ का माय मेन मालिक मही। कितने कितने बार पूजा पाठ करता हूँ? यहाँ शाम और सुबह, शाम और सुबह के करता हूँ। कब कब मंदिर दरवाजा खुला रहते यहाँ? यहाँ कब आदमी आ सकते थे पूजा करे? यहाँ प्रतिदिन आवा, प्रतिदिन खुला कर रहा था मैं। वहाँ गेट लेने मारूँ, गेट भले ढाँक दूँ लेकिन मैं अंदर नहीं करूँ, काबर की कोई व्यक्ति आ जाए मैं नहीं रहूँ तो देख के फिर न जाए। एक 16 खुला करे हूँ। तो यह मंदिर कब बने रही? कैसा लोग इस मंदिर बने ले? 15 साल हुई से। 15 साल हुई? 15 साल। अरे 20 से पुर गिर जान जा खदान हने खुले। तो बहुत पुराना हो गई इसे, लेकिन आसपास के लोग मतलब पता नहीं है कि यहाँ मंदिर है इसे करके। तो ओकरे में हमारे वीडियो बनाया है, ठीक है कि देखी हमारे वीडियो ला, तो कोई तो आही अपन जो यहाँ का सुंदरता है वाला देखे बा। तो और क्या कहते हैं कि कौन बनवाया इस मंदिर ला? मंदिर ला राम प्रसाद हमारे मही बनवाए, हमारे जरिया से बनाई से। यहाँ जग बांधो ना, वो जग में वो आए पूजा करे, तो पूजा करते हुए ओकर मैं कहे अरे एक मंदिर तो नाम से बनवाए दीजिए, तो कहीं कहाँ बनवाओ, तो फिर मर यहाँ धामे में मैं कहे बनाए दे, तो बेचारा बनाए दे पूजा पाठ में। और है अब सियानहा होगी सो आबो नहीं करे, यही काम में आई से। तो अभी ये महाशिवरात्रि मेला में ही सबसे ज़्यादा भीड़ होते हैं, है ना? शिवरात्रि मेला में तो हम तो सुबह नहीं पहुँच पाए, कितना भीड़ रहता ही बता दें। बिहना भीड़ रह ऐसा कि 7 बजे लेके लगातार चलत है। तो कौन कौन गांव ले आए रही हुई? एको दुठे गांव बता दें। ये आस पास पूरा गेतरा ले पोतका ले जान जा तुर खड़ी पाठी इतने हाई धुमा डांड ले लाइन पारा ले पूरा इतना का आदमी। मतलब ये आसपास 5-10 किलोमीटर मतलब झल्ला ही पता है कि यहाँ मंदिर है, बाकी दूर वाला मतलब पता नहीं है। तो यहाँ कौन कौन सा मतलब मूर्ति रखाई से कौन कौन सा भगवान है यहाँ मतलब आए बार पूजा वूजा करे बार? यहाँ तो पहले शंकर का मूर्ति लगी से शिवलिंग सब ले, दुर्गा माई का, बूढ़ी माई है, और काली माई है, और नांग देवता नांग देवी हैं, और लक्ष्मी भगवान हैं। और वो जगह हम ढोड़ी देखें नीचे में बोला खुद से बनी से कि बनाई तो माए बनाए हैं जी। मतलब पहले पानी खुद से तो निकलत नहीं रही? नहीं निकलत रही, ये कर खोले ले निकली से पानी। अभी कभी अटाते हो पानी है? नहीं अटाए, उतना मान चलते है। तुमन तो वही लपिया थो ये पानी बस वही। तो गाइस हम लोग अभी कुछ छोटा जानकारी ले चुके हैं यहाँ का। तो आप सभी भी अगर पूजा पाठ करने यहाँ आएंगे तो यहाँ अपना तो मेन शंकर भगवान का मूर्ति है और दुर्गा माँ का, और नीचे में एक ढोड़ी है बहुत ही सुंदर, अभी दिखाएंगे आपको। और कभी भी आप लोग आइएगा इधर,
अपना निम्हापोत का गांव सुने होंगे देवगढ़, देवगढ़ से 6 किलोमीटर अपना निम्हापोत का गांव है, उसी गांव में एक छोटा सा मंदिर है, जंगल और एक नदी के बीच में मंदिर है। तो कभी भी आप लोग आइएगा, ज़रूर आइएगा और दर्शन करके जाइएगा अपना आशीर्वाद लेके। तो चलिए अब हम लोग बाहर का नज़ारा दिखाते हैं आपको। तो बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। तो नाम कहाँ है बता? अमीर साय। अमीर साय। अमीर साय। तो हम और गाइस ये देख सकते हैं बाहर का नज़ारा बहुत ही खूबसूरत। और इधर मिल रहा है भंडारा प्रसाद खिचड़ी और बच्चे लोग दबा के खा रहे हैं गाइस। पूजा पाठ का करवाओ सब ये पूरा हो चुका है हमारा मंदिर का यहाँ का। तो अब हम लोग निकल रहे हैं घर। और अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। लास्ट में बेल आइकन ऑन कर दीजिएगा और लाइक ठोक दीजिएगा गाइस। और अभी दूसरा वीडियो हमारा देवगढ़ का आएगा। हमारा मेमोरी कार्ड हमको लेना पड़ेगा गाइस, मोबाइल में सपोर्ट नहीं कर रहा है वीडियो। तो यहाँ दो मतलब एक मेमोरी मिला था, उसमें 2 वीडियो बनाया है छोटा छोटा शॉर्ट। तो अभी तुरंत मेमोरी लेने जाएंगे हम लोग खमरिया, वहाँ से लेंगे 64 GB मेमोरी और मेमोरी से बनाएंगे अपना देवगढ़ वाला व्यू। तो चलिए गाइस। Thank you.